नमस्कार दोस्तों, द कपिल शर्मा शो में सिद्धू के कमबैक को लेकर दर्शक हुए हैरान। कपिल शर्मा का शो पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा में था। पुलवामा हमले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बयान ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कपिल शर्मा के शो को बायकॉट करने का ट्रेंड भी चला दिया था। वहीं सिद्धू की जगह जज की कुर्सी पर अर्चना पूरन सिंह को देखा गया, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि सिद्धू को शो से हटा दिया गया है। हालांकि ना तो चैनल और ना ही कपिल शर्मा की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के बाद से लोगों में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में जब इसे लेकर सिद्धू का बयान सामने आया तो उन्हें शो से दूर रखा गया था, लेकिन अब लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की शो में वापसी हो चुकी है। रविवार को प्रसारित हुए एपिसोड में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है। बता दें कि इस हफ्ते शो पर साल 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पहुंची थी। सिद्धू की कमी को कीकू शारदा ने पूरा किया। बता दें कि सिद्धू की जगह जज की कुर्सी पर हरभजन सिंह बैठे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हरभजन को देखते ही बच्चा यादव के रोल में नजर आ रहे हैं। और कीकू कहते हैं कि सिद्धू जी आज थोड़े से छोटे दिख रहे हैं। और कपिल देव, जिसके बाद कीकू शारदा को रोकते हुए बोलते हैं कि बच्चा यादव ये सिद्धू पाजी नहीं है, ये भज्जी पाजी है। फिर कीकू कहते हैं कि ओ मुझे माफ कीजिएगा, अब यहाँ से शेर नहीं तेंदुए आएंगे। शो में पिछले दिनों कपिल देव और दिलीप और श्रीकांत, संदीप पाटिल, सुनील वालसन और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नजर आए जो कि 1983 के वक्त में जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। गौरतलब है कि अपने बयान से सिद्धू ने कहा था कि चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे देश को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह हमला वाकई में कायरता का सबूत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ऐसी कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो ऐसा, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बयान दिया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। कपिल शर्मा पर भी काफी ज्यादा आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सब कुछ ठंडा हो चुका है। लेकिन देखते हैं कि जब सिद्धू की वापसी दोबारा से शो में होगी तो लोगों का गुस्सा कहां पर होता है और लोग उस बयान को या फिर उस स्टेटमेंट को भूल पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको भी लगता है कि सिद्धू को वापसी कर लेनी चाहिए कपिल शर्मा के शो में और आपका भी काफी ज्यादा एंटरटेन होता था उनके होने से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।